नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ये कड़े 1 2 3 पर। आज हम जानेंगे किस प्रकार से अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आपने कोई PGDCA कर रहे हैं या कोई और डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको रेडीमेड प्रोजेक्ट चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने ईमेल किया है आपको, तो उस ईमेल किया होगा ना, तो वो फाइल आई होगी और वो ये होगा कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इन जावा, ठीक है। तो ये एक जिप फाइल है जो कि आपको, जो मैंने ईमेल किया उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके एक फोल्डर बनाना, फोल्डर में ये फाइल आपको सेव कर लेना है, ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करके आपको इसको क्या करना, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी अनजिप करना है। ये कौन सी जिप फाइल है, तो अनजिप हो जाएगी और एक दूसरा फोल्डर बनेगा, और दूसरा फोल्डर बनेगा तो उसके अंदर कुछ और सब फोल्डर्स बन जाएंगे, जैसे कि इतने फोल्डर्स है, ठीक है। तो अभी ये काम आएगी अपने, तो अभी इसको क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करना है। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो जावा इंस्टॉल होना चाहिए, फिर आपके पास नेटबीन IDE होना चाहिए, यानी नेटबीन इंस्टॉल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जेम्प होना चाहिए, अर्थात कहने का अर्थ है कि वो सर्वर बनाने का के लिए काम आएगा। और वो मैंने जेम्प चालू कर रखा है ऑलरेडी, स्टाफ आ रहा है, यानी ये ऑन है, अर्थात इससे क्या होगा, क्योंकि जो PHP माई एडमिन यानी जो MySQL का डेटाबेस जो होगा वो यहीं से फेच होगा, आई बात समझ में। इसलिए MySQL के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको जेम्प चलाना पड़ेगा। जेम्प कंट्रोल पैनल मैंने ऑन कर लिया है, आपको भी ऑन करना है, और ये इंस्टॉल करना बहुत आसान है। नहीं है तो मैं इसका जो लिंक होगा वो भी, इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। तो ये आपको जस्ट करना है, ये तीन चीज़ें करनी है, दो चीज़ें अपन कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, IDE स्टार्ट करना है, यानी नेटबिन को स्टार्ट करना। तो मैंने नेटबिन पर जस्ट डबल क्लिक किया और ये स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ सेकंडों के अंदर हो जाएगा। थोड़ा सा हैवी आईडी है तो थोड़ा सा आपको धैर्य की परीक्षा देनी है, कुछ सेकंडों में ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर वो जो प्रोजेक्ट मैंने दिया है आपको ईमेल पे जो आपके पास आया था, उसको क्या करना है, इस पर लोड करना। तो ये वीडियो जस्ट ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जस्ट इसको प्रोसेस करना है, यानी वो जो इस नेटबिन आईडी खुलने के बाद इसमें वो जो प्रोजेक्ट मैंने ईमेल किया है उसको इसमें लाना है और फिर अल्टीमेटली चलाना है। तो आप इसको पहले अपने घर पे एक बार चला लीजिएगा, और उसके बाद फिर जहाँ पर भी आपके स्कूल कॉलेज या जहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट में अगर उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है तो फिर वहाँ पे आसानी से कर पाएँ। तो एक प्रोसेस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पर जावा इंस्टॉल करें, जेम्प इंस्टॉल करें और नेटबिन IDE इंस्टॉल करें। तीनों इंस्टॉल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हो गया, अभी आपके पास नेटबिन स्टार्ट हो रहा है ना, इन ए फ्यू सेकंड्स, विद इन द फ्यू सेकंड्स ये आपके पास हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि ये आईडी क्या थोड़ा सा हैवी है, बट हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है। इन ए फ्यू सेकंड्स यू विल डू इट, है ना। तो बस ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दोस्तों उस चीज़ को इम्पोर्ट करूँगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पे फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपको क्या करना है, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, इंपोर्ट प्रोजेक्ट में कहाँ जाना है, फ्रॉम जिप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जिप का पाथ लेना है। तो यहाँ से पाथ ब्राउज कर लीजिए, है ना। तो जैसे ब्राउज करेंगे तो कहाँ पर है वो, डेस्कटॉप पर स्कूल मैनेजमेंट जो था ये यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, ये स्कूल मैनेजमेंट इन जावा को ओपन करना है, और जैसे ओपन करेंगे और यहाँ से इम्पोर्ट कर लीजिए, बस अभी सेकंडों में ये इम्पोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक एरर आएगी, वो एरर आपके केस में भी आएगी, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना वो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यस, अब ये जैसे आपके पास यस ये एरर आ गई, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस एरर को रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, आपको भी करना है साथ में। तो मैं अगर रिजॉल्व पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये चार चीज़ों की एरर आ रही है। तो सबसे पहले JDBC कैलेंडर जो आपके पास आ रहा है, कहाँ पर कैलेंडर है, इसमें फोल्डर में अगर बात करूँ, JDBC आ गया, ये फोल्डर का गया, जे कैलेंडर जो है इस पर क्लिक किया, यानी इसको सिलेक्ट किया और रिजॉल्व में गए। रिजॉल्व में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद स्कूल मैनेजमेंट जावा में जाना है, और जहाँ से जो एक्सट्रैक्टेड फाइल जो थी ना फोल्डर, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डिस्ट में जाना है। डिस्ट में जाने के बाद आपके पास लाइब्रेरी वाला फोल्डर लीव जो है उसमें जाना है, और कहाँ पर, जे कैलेंडर की जार फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओके, तो अभी ये एरर रिजॉल्व हो गया। इसी प्रकार से सारे, अब आपको क्या करना है, SQL लाइट को रिसॉल्व करना है। तो यहाँ पर जाएंगे आप, और SQL लाइट कहाँ गया, SQL लाइट ये रहा, तो इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये भी रिजॉल्व हो गई। अब RX2XML को रिजॉल्व करना है, क्या RS2XML, ठीक है, तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, RX2XML, तो ये क्या, तो ये रिजॉल्व हो गया। बचा है MySQL JDBC कनेक्शन के लिए, डेटाबेस के कनेक्शन के लिए, तो इसको भी रिजॉल्व करना है। और JDBC कनेक्शन कहाँ गया मेरा, JDBC आ जा, माई एस क्यूएल JDBC,
ओके और इसको ओपन किया, ओके सारी चीज हो गई है रिजॉल्व। अब ये रिजॉल्व सारी हो गई है। अब ये होने के बाद अपन को क्या करना है दोस्तों, इसको अगर एक्सपेंड करूँ तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, लाइब्रेरीज भी मिल जाएगी जो अभी अपन ने इंस्टॉल किया वो आ जाएगा, रिसोर्सेज में सब कुछ आ जाएगा, पेजेस में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इसको अभी नहीं करना है, अपन को क्या करना है सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद जो सर्वर्स है ना इस पर जस्ट इसको ओपन ओपन करना है या इसको एड सर्वर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास नो सर्वर प्लग इन आ रहा है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, डाटाबेस का न्यू कनेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है अभी अभी जस्ट इसी सर्विस में सर्विसेज में नहीं सर्विसेज में जाने के बाद 2 मिनट में बताता हूँ। तो दोस्तों अब अपन यहीं पर जो चीज़ आ रही थी उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया मैंने कि ये सर्वर्स और वेब सर्विसेज और ये सब कुछ तो है ही सही, लेकिन अब अपन को क्या करना है, अपन को जस्ट कुछ नहीं करना है। अभी मुझे अपना क्रोम ओपन करना है, तो क्रोम ओपन हो रहा है और इससे अपन बात करेंगे क्या होता है क्रोम में एक्चुअल में। अब मैं यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ मैंने स्टूडेंट डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आपको अगर न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे आना है न्यू पर, और न्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है। जस्ट जैसे आप ये न्यू करोगे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है और जस्ट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने पहले से स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट कर रखा है ना, और वो कोई ये यहाँ पे कर रखा है, तो जस्ट स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। आगे टेबल नेम नहीं देना है और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, दैट्स इट। तो ये इंपोर्ट हो रहा है, होने दीजिए। तो अब अपन क्या इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ से चूज़ फाइल कीजिए। जैसे फाइल चूज़ करोगे आप तो आप नेविगेट हो जाओगे सीधे वहीं पर जहाँ से अपन को जाना चाहिए। अब ये स्टूडेंट डेटाबेस कौन सा, स्कूल मैनेजमेंट इन जावा में आप जाओगे तो आपके पास कहाँ से आएगा, ये डेटाबेस वाला फोल्डर है, ये SRC वाला फोल्डर है, हेल्प सेंटर वाला फोल्डर। तो अभी अपन को क्या करना है, डेटाबेस वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो जैसे ही डेटाबेस वाले फोल्डर में जाओगे या डेस्कटॉप पे चलो सीधा, और अपना क्या नाम था उसका, उस फोल्डर का स्कूल मैनेजमेंट इन जावा, ठीक है ओपन किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर कहाँ है डाटाबेस में गए, डाटाबेस में ये वाली डाटाबेस वाली फाइल SQL फाइल सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। तो ये जस्ट ओपन की, और ओपन करने के बाद अब क्या करना है आपको, जस्ट नीचे आना है थोड़ा सा और गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करोगे सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा उस फाइल से, उस फाइल से जितनी भी टेबल बनी हुई है, उस फाइल से जितनी भी जो भी मतलब अपन ने कर रखी है, आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, सब कुछ वो उसी में ऑलरेडी फेच कर रहा है और फेचिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है 2 सेकंड के अंदर, 2-5 सेकंड के अंदर पूरा आपके पास हो जाएगा, ठीक है ये। तो ये अभी चल रहा है और ओके चलने दीजिए इसको, या सब हो गया, सब इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। और अगर मैं आता हूँ डेटाबेस के अंदर तो ये इतनी एडमिन एम्प्लॉई इन्फो इतनी सारी फाइलें मेरे पास आ चुकी है, एडमिन पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टीचर इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एडमिन सब कुछ फाइलें आ चुकी है, दैट्स इट। बस इतना करने के बाद इसको आप क्या कर लीजिएगा, मिनिमाइज कर लीजिएगा और अपना जो नेटबिन रुका हुआ था ना यहाँ पे आ जाइए। और फिर अब आइए सर्विसेज में, और सर्विसेज में आने के बाद आपके पास जैसा भी मिलेगा, आपके पास ये आया सर्विसेज में आए तो यहाँ पर आपको जैसे कि इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी डेटाबेस की, कौन सा MySQL सर्वर एट लोकल होस्ट वाले पे अगर एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी। और ये स्टूडेंट डेटाबेस को आप क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कनेक्ट कर देना बस, और ओके कर देना, तो यह कनेक्ट हो रहा है। और जैसे ही कनेक्ट होगा तो बस हो जाएगा कनेक्ट। तो अब ये आपके पास क्या हुआ, कनेक्शन हो चुका है आपका, किसका कनेक्शन हुआ है उसका, दैट्स इट। अब जो अपना नेटबिन आईडी यहाँ पर आ जाइएगा और इसमें आना है प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और ये रन कर दीजिए इस प्रोजेक्ट को। जैसे ही रन करोगे आपका नेटबिन का जो मेन प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, और देखो 2 मिनट के अंदर रन होता है अभी, है ना। तो हो रहा है, थोड़ा सा कीप पेशेंस, यस वेरी गुड। अब ये हुआ तो यहाँ पर यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, तो वो कैसे सेट करेंगे अपन, तो यहाँ से मिनिमाइज़ करना है और इसके यूज़र नेम और पासवर्ड दोस्तों जो है वो आपको क्या करना है, या ऐसे रख लीजिए या इसके साथ भी रख लो इसको, इसके ऊपर तो अच्छा लगेगा। उसका पासवर्ड डालना है एडमिन, यूज़र नेम डालना है एडमिन एंड पासवर्ड भी डालना है एडमिन आपको, ठीक है, और लॉग इन कर देना है। जैसे ही तो लॉग इन सक्सेसफुल ओके, और जैसे मैं करूँगा तो ये आपके पास ये नीचे के ये सारी चीज़ आ गई, ठीक है। अब आप में आप इसको क्या कर सकते हो, अगर टीचर हो तो यहाँ पर सारी एंट्रीज कर सकते हो, टीचर की फर्स्ट नेम ऐड करना रिमूव करना है ना, सब कुछ कर सकते हो। और व्यू डाटा में जाना है तो ये
सारे जितने टीचर्स पहले से ऑलरेडी है तो उनका डेटाबेस आ गया। फिर मान लो कि मुझे इस पर वापस होम पे जाना, तो मैं होम पे आ गया हूँ, स्टूडेंट को देखना है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सारे आ गए हैं मेरे पास, और उनको भी अगर मुझे व्यू डाटा करना है तो वो आ जाएगा, या इसको क्लोज करना है, या इसमें कोई एंट्रीज करनी है, या अपडेट करना है किसी का नाम, वो सारा आपको आता है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं अगेन होम पर आया और फिर टीचर्स का आ गया, स्टूडेंट्स का आ गया, एम्प्लॉय का आ गया, उसके बाद करंट डेट आ गया, क्लोज आ गया, और हेल्प और अबाउट मी, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सब कुछ आपको। ये पूरा एक बहुत ही आसान आसान सा है, तो आपको जस्ट इसको फॉलो करना है। अगर स्टूडेंट्स हैं आप तो आप स्टूडेंट के लिए आपके पास ये एक दूसरी चीज़ आ गई है ना, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए ताकि आपको दिखता रहे, और होम पे चले जाइए तो होम पे आपके पास ये कंडीशंस आ जाती है। फिर आप मान लो टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए ये आ गया आपके पास, है ना, तो इस टाइप से होम पे फिर गए और फिर इम्प्लॉय पे क्लिक किया तो इम्प्लॉय के लिए चारों ऑप्शन आ गया। सेव करना है कोई न्यू एंट्री, अपडेट करना है मतलब कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है, या क्लियर करना है सब, या डिलीट करना है, या व्यू डाटा करना है, या एग्जिट होना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये एक था पूरा प्रोजेक्ट, तो ये आपका प्रोजेक्ट है बिल्कुल, और इसमें इंसर्शन में कोई भी दिक्कत आता है आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।